हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर। बच्चों, यहाँ हम आपको लगातार इंग्लिश से संबंधित आपकी समस्या सॉल्व कर रहे हैं। कभी क्लोट टेस्ट, कभी PQRS, कभी वॉइस, कभी स्पीच, वीडियोस हम आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन गाइस, साथ ही साथ इसी बीच जो हमारे बच्चे जिनको लग रहा है 2020 में जिनका एग्ज़ाम हुआ SSC स्टेनो का, अच्छा एग्ज़ाम जिनका गया बच्चों का, अब वो डाउटफुल थे कि सर 2021 जो मार्च में एग्ज़ाम होना है इसकी तैयारी पे फोकस करें या फिर हम पहले SSC स्टेनो के स्किल की तैयारी करें। सो गाइस, आज इसीलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने आया हूँ कि हमें क्या फोकस करना चाहिए। बच्चे देखिए, 2020 का एग्ज़ाम जिन लोगों का अच्छा नहीं गया, पहले मैं उनसे बात कर लूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला एग्ज़ाम आपका 29 मार्च में होना है। लगभग 2 महीने यहाँ से आपके पास में है। आज 7 मार्च आपका हो चुका है, 7 फरवरी, और लगभग 2 महीने भी नहीं कहूँगा पूरे हैं, लेकिन चलिए अगर आप पूरी जद्दोजहद के साथ मेहनत करते हैं तो मैं आपके लिए 2 महीने पूरे मानता हूँ। अगर आप दिन में 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दें तो आपके लिए 2 महीने ही हैं। सो गाइज, बिल्कुल भी हताश ना हो अगर आपका पिछला एग्ज़ाम बेहतर नहीं गया है। आपके पास मौका है, फिर से आपको चौका लगाने का मौका मिल रहा है। सो जुड़ जाइए अपनी तैयारी में और तैयारी कर दीजिए शुरू अपनी आज से ही, अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो। क्योंकि जितना दुख मनाना था वो मना लिया आपने 2020 वाले एग्ज़ाम का, अब आपको 2021 की तैयारी करनी है। उठ के खड़े होना होगा और चलना होगा, फिर दौड़ना होगा बच्चों, और ये सब कुछ आप ही को करना होगा, कोई और आपके बदले नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखें। सो गाइज, हताश होना, निराश होकर बैठ जाना, ये मुझे नहीं लगता कि सोल्यूशन है किसी चीज़ का। आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है मेहनत, हार्डवर्क। हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो बच्चों, आपको हार्डवर्क करना ही होगा अगर 2019 वाला एग्ज़ाम, 2021 वाला एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। 19 वाला गया तो क्या हुआ बच्चों, अब 21 का आपके सामने है, आपके हाथ में। ये 21 वाला 20 वाला ही है, जो 20 पे नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, वो मार्च में होना है बच्चों अभी एग्ज़ाम, क्योंकि फिर ये इसके मार्च में वैकेंसी निकलती 20 में ही, और इसका 20 में एग्ज़ाम हुआ करता, लेकिन फिलहाल ये मार्च में पहुँच गया है। सो मौका मिला है, आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग डेफिनेटली सफल होंगे। कुछ नहीं करना है, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ अब मेरे कहने पर किरण बुक रिवाइज मार दीजिए बहुत अच्छे से। आपने MBA मेरे साथ लग करके बहुत अच्छे से मेहनत की है, किरण बुक लेटेस्ट एडिशन लाइए, उसका खुद से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए जितना कर सकते हैं। और अगर खुद से रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स खरीद करके वहाँ से कोर्स रिवीजन कर सकते हैं पूरा का पूरा, जो हमने चला रखा है 3 बैच उसका। एक बैच चल रहा है आपका 26 दिसंबर से, दूसरा बैच चल रहा है 15 जनवरी से, और तीसरा बैच चल रहा है 1 फरवरी से। सो गाइज, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा अगर आप किरण बुक को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं तो। बच्चों, किरण बुक आपके लिए इस टाइम रामबाण से हो सकती है, उनके लिए जिन्होंने MBA किया हुआ है, और जिन्होंने MBA नहीं भी किया हुआ है उनके लिए भी किरण बेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा किरण के अंदर हर चीज़ एक बड़ी मात्रा में है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। तो फिलहाल बच्चों, अब बात करते हैं उन बच्चों से जिनका मन में डाउट था कि सर हम लोग 2021 के स्किल की तैयारी करें, जो हमारा स्टेनो 2020 वाला क्लियर हो जाएगा, या फिर हम लोग 2021 के एग्ज़ाम की तैयारी पहले करें। देखिए, अभी तक भी 2020 वाले एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो स्किल की भी डेट नहीं आई है, तो उस स्किल की मेरे राय में अभी से टेंशन लेना, ऐसे नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल उसको निफरामों को छोड़ दें, अपनी तैयारी में रहें, लेकिन कोशिश रखें आप पहले 2021 का मार्च का एग्ज़ाम देने की, 2021 का मार्च वाला एग्ज़ाम देने की पहले तैयारी करें, उसके बाद में आप लोग स्किल के बारे में विषय में सोचें। देखिए, दोनों स्किल आपके एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये वाला जिनका 2020 वाला क्लियर हो गया है वो डेफिनेटली 21 वाला भी अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि 2020 वाले में एक रैंडमली रीजनिंग को बड़े हार्ड तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया। अब तो आप लोग माइंडली मेकअप हो चुके हैं पहले से कि रीजनिंग में ही मुझे इस तरह पकड़ बनानी है, हम लोगों ने भी आपको सलाह दे दी है कि इस तरह करके आपको रीजनिंग करना होगा। सो गाइस, टेंशन वाली बात नहीं है, रीजनिंग आप लोग बढ़िया कीजिए अपनी, इंग्लिश बढ़िया कीजिए अपनी, और थोड़ा सा GK पर अपना फोकस कीजिए, स्टैटिक GK ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको आ रहा है, लेकिन मेरी राय में आपको पहले 2021 का रिटर्न की ही तैयारी करनी है, जो मार्च में आपका होना है 29 मार्च को। यस गाइस, उसके बाद में आप स्किल की तैयारी करें दोनों के एक साथ, क्योंकि फिर अगला कब होगा ये 2022 में जाकर मौका मिलेगा, जो कि काफ़ी लंबा समय है। तो यहाँ जितने भी डाउट आपके मन में थे, मैं लगातार व्हाट्सएप पर जवाब दे के बच्चों को थक रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से एक इस तरह से गेट टुगेदर किया जाए, बातचीत की जाए और आपको समझाया जाए। सो गाइज, ध्यान रखें,
उन सभी बच्चों का जो हमारे पास से पढ़े हैं सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे पास से नहीं पढ़े हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया, मतलब उनको उम्मीद लग रही है हो गया है, क्योंकि जिनका 140 प्लस से 160 के बीच में मार्क्स हैं मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा इस बार, क्योंकि मेरिट थोड़ी सी टफ रहने वाली है। यस गाइस, और बाकी अगर कोई एससी कैटेगरी से है तो उसका और भी कम पे यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, 125 से आगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपना रिटर्न की ही तैयारी फर्स्ट फॉर्मेशन पर रखें, क्योंकि ये आपको दो मौके देगा फिर आपको स्किल क्लियर करने के, तो ये आपके लिए बेटर चांस है। और मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि इंग्लिश के लिए इस समय आपके लिए किरण बेस्ट रहेगी एमबी बुक। मैं लास्ट के 15 डेज में 15 मार्च से 29 मार्च के बीच में मैं आपके लिए एमबी बुक लेकर आऊँगा ओनली एसएससी स्टेनो के एग्जाम पेपर, बहुत बेहतरीन अपने अंदाजे से हम हर बार को कराते आए हैं बच्चों, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। फिलहाल आप किरण बुक को बहुत बेस्ट तरह से कर लीजिए, क्योंकि किरण बुक के अंदर आपकी हर डोज बहुत बड़ी मात्रा में है सिनोनियम्स एंटोनियम्स। और बच्चों सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का प्रोसीजर आप लोग एमबी बुक की सिर्फ 2017 के जितने भी सेट हैं उनमें आए हुए जितनी वोकैबुलरी वो सब कर लीजिए फिनिश, क्योंकि 2017 इसलिए मैंने कहा क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ सेट ज़्यादा है, शायद 66 या 68 के आसपास वहाँ पर सेट रहे हैं, वहाँ से आप वोकैबुलरी कीजिए, किरण की बुक से कीजिए, एमबी बुक से एडियम्स कीजिए, ये वोकैबुलरी मत छोड़े बिल्कुल भी। क्लोज टेस्ट के लिए मैंने स्पेशल आपका यूट्यूब पे बैच बनाया हुआ है, आप स्पेशल उस बैच को ज्वाइन करें, ये आपके लिए मेरी पर्सनली सलाह है, क्योंकि बच्चों क्लोज टेस्ट और पैसेज ये दोनों आपके 35 मार्क्स का रहने वाला है वेटेज, तो ये हल्के मत लीजिएगा। पिछली बार भी आपने गलती करी, 35 मार्क्स का पोर्शन आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, और बच्चों बाकी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी चीज़ तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। 35 मार्क्स का स्टेनो का लिए आपका बच्चों क्लोज टेस्ट और पैसेज का बैच अलग से मैं चला चुका हूँ, उसको आप लोग चाहे तो बाय कर सकते हैं, बहुत शानदार बैच है वाला, जिसमें पूरी किरण से क्लोज टेस्ट पूरी किरण से पैसेज आपके सोल्व होने वाले हैं बच्चों। तो ये आपके एकदम 35 मार्क्स यानी कि 1/3 पोर्शन आपका इंग्लिश का, 1/3 से भी ज़्यादा समझिए, क्योंकि 33 होता तो 1/3 होता बच्चों, यहाँ पे 1/3 से भी ज़्यादा का पोर्शन आपका ये कवर करने वाला है खाली क्लोज टेस्ट और पैसेज। यस गाइस, तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट और पैसेज आपको नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, रीजनिंग जो आप लोग कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा बैंकिंग का भी रीजनिंग साथ में लेकर चले अपने साथ में, अब तो आप पेपर देके आ चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि रीजनिंग कैसे आने वाली है, आप लोगों के सामने अब पेपर भी आ चुके हैं, ऑनलाइन कैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं आप पेपर, वहाँ आप लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उसी बेस पर आप और क्वेश्चन करना शुरू कीजिए बच्चों, क्योंकि रीजनिंग को अब हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि सीधा फिर मौका 2022 मिलेगा जो मैं नहीं मानता कि उचित रहेगा बच्चों। इस बार भी काफ़ी सारे बच्चों की उम्मीदें टूटी हैं, काफ़ी सारे बच्चों को हौसले टूटे हैं, लेकिन बच्चों इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली होना है, आपको लेना है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए बच्चों। यहाँ आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको कीजिए, हाँ स्किल की तैयारी की चिंता बाद में कीजिएगा, पहले 29 मार्च का एग्ज़ाम आप क्लियर कीजिए ये वाला, उसके बाद में आप इसकी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेफिनेट है इस बार 29 मार्च को होकर रहेगा, क्योंकि कोई क्राइसिस तो आपके सामने इस समय है नहीं, पिछली बार तो कोरोना वायरस का चलो एक बहाना था, इस बार वो भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। दूसरी बार एग्ज़ाम करा रहा है बच्चों TCS कंडक्ट, जो अपने टाइम पे एग्ज़ाम कराने के लिए माना जाता है बच्चों, जाना जाता है समय पर एग्ज़ाम कराना, समय पर रिजल्ट देना, सब कुछ समय पर उसका काम है बच्चों करवाना, तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तैयारी कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, हार के निराश होके बैठने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, सिर्फ अपने आप को दुखी करने के अलावा कुछ नहीं होगा बच्चों। हाँ, मेरे से जितनी आपकी मदद हो सकती है मुझे बताइए बच्चों, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा, कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई बुक, कोई सोल्यूशन, कोई भी चीज़ अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उसको YouTube पर ही सोल्व कराऊँ तो मैं डेफिनेटली सोल्व कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र ही बच्चों, मैंने जितना हो सकता है आपके लिए किया बच्चों, मिरर बुक, एमबी बुक, किरण बुक, ग्रामर, हर चीज़ मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराई है, नोट्स तक बच्चे हमसे लेते हैं बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने बच्चों को थोड़े दिन पहले ही एडजेक्टिव के अपने क्लास नोट्स बच्चों को फ्री प्रोवाइड कराए हैं, आप में से भी कोई लेना चाहे तो मुझे बताइए डेफिनेटली, लेकिन अपनी करनी में आप कभी मत छोड़ें, डेफिनेटली बच्चों सफलता कदम चुमेगी, बस इसी तरह से करते रहिएगा तैयारी अपनी। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, आपसे मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ में, फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।